नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान तोड़ना चाहती है और भाजपा दलितों के अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र रच रही है। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कही। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान तोड़ना चाहती है और भाजपा दलितों के अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र रच रही। जी हाँ, यह आरोप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज कैथल में रामलीला मैदान में आयोजित दलित चेतना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गरीब समाज के लिए आरक्षण का अधिकार दिया था। आरएसएस और भाजपा आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी पार्टी के ने दलितों के अधिकारों को तथा उनकी ओर अंगुली करने की भी कोशिश की तो कांग्रेस पार्टी छाती ठोक कर उसका सामना करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दलित छात्रों की छात्रवृत्ति पर 100 करोड़ रुपए की रोक लगा दी और जांच के नाम पर छात्रों की छात्रवृत्ति भी बंद कर दी गई। किसी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुरजेवाला ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा दलितों को पूरी तरह से भेदभाव किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश के दलित कर्मचारियों पर घोर अत्याचार किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर दलितों के हितों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू की जाएगी। इनमें से आटा दाल योजना, अनुसूचित जाति बेल लॉक, बिजली बिलों में भारी छूट देने, सर्विस कमीशन और कर्मचारी चयन आयोग में एक व्यक्ति की नियुक्ति करना, पीने के पानी की सुविधा, मेधावी छात्रों को दलित वजीफा, सफाई कर्मचारियों की ठेका प्रथा खत्म करने की, अनुसूचित जाति के हर घर में शौचालय निर्माण करवाना, मोहल्ले में चौपाल और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं पूर्व सांसद ईश्वर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। शिक्षा का अधिकार हो, उन सब अधिकारों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक षड्यंत्र के तहत आक्रमण कर रही है। गुरु रविदास जी के मंदिर को गिराना, जो 650 वर्ष पहले बना, ये उस षड्यंत्र का हिस्सा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इस देश में संविधान का शासन तोड़कर वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहती है। लूट लिया गया, हर 12 मिनट में एक दलित पर इस देश के अंदर आक्रमण हो रहा है। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी के दलित विधायक ही सुरक्षित नहीं, वो ही अपमानित होने को मजबूर है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनको अपमानित किया जाता है। ऐसे में एक नया एजेंडा, गरीब का हितकारी एजेंडा तैयार करने की जरूरत है। और यह मंथन केवल कैथल तक सीमित नहीं रहेगा। इस बलबले को, इस हुंकार को हम पूरे हरियाणा में लेकर जाएंगे और फिर पूरे देश में लेकर जाएंगे, ताकि ये ना समझे भारतीय जनता पार्टी के उनके पास राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत है तो वह इस देश के संविधान को तोड़ देंगे। इस देश का संविधान इस देश की आत्मा है, इस देश की माँ है, और इस देश की आत्मा और माँ की हत्या हम ना उन्हें करने देंगे, ना बर्दाश्त करेंगे और हर प्रकार का संघर्ष करेंगे। यही संकल्प और निर्णय आज इस दलित चेतना सम्मेलन में हमने लिया है। पत्र में हम क्या क्या शामिल करवाएंगे, उनमें से कुछ की व्याख्या मैंने आज की। गरीब दलित साथियों को नए सिरे से उनका अधिकार देने की जरूरत है। एक आटा दाल चीनी स्कीम हर दलित परिवार के लिए शुरू करने की जरूरत है, 14 के 14 लाख दलित परिवारों को, ताकि पीले और गुलाबी राशन कार्ड का भेदभाव खत्म हो जाए। ठेका प्रथा पे जो हमारे कर्मचारी हैं, उनका ठेका प्रथा खत्म कर उन्हें पक्का कर्मचारी बनाने की आवश्यकता है। अभी भी खट्टर सरकार ने उन्हें एक झुंझुना लॉलीपॉप पकड़ा दिया, ये कहकर के तनख्वाह नगर पालिका से मिलेगी, पर उन्हें नियमित कब करोगे? 11,000 जो सफाई कर्मचारी हैं उनको 22,000 बनाने की आवश्यकता है। 60,000 का बैकलॉग भरने की आवश्यकता है। जो दलित साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको विशेष वजीफा दे, मेघावी छात्रों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। दलितों की, गरीबों की सब चौपाल नए सिरे से उनका निर्माण या पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। और दलित साथियों को सरकार में राजनीतिक हिस्सेदारी देने की आवश्यकता है, ताकि वो सही मायनों में अपना सशक्तिकरण माने। वो चाहे एसएस बोर्ड हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो,
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बोर्ड और कॉरपोरेशन हो, एक दलित साथी को उसमें रखना अनिवार्य हो, यह हमारी सोच और रास्ता है कांग्रेस पार्टी का, और हम इस संकल्प को लागू करवा कर दिखाएंगे। चेतना सम्मेलन पर बात करना चाहता था, उस पर किसी दिन और करेंगे, धन्यवाद। हम किस प्रकार से समाज के गरीब को आगे बढ़ाने का और उससे हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलने का काम करेंगे, उसकी व्याख्या करना आज आवश्यक है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जो हुंकार कैथल के चंदा गेट की इस तपोभूमि से जाएगी, वो एक बलबला बनकर पूरे देश के अंदर फैल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को तोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी संविधान सम्मत अधिकारों को छीनना चाहती। 26 जनवरी 1952 को इस देश में सैकड़ों साल के भेदभाव को मिटाने वाला, इंसान की चमड़ी, इंसान की जात, इंसान के जन्म के आधार पर इंसान और इंसान में भेदभाव करने वाले सब बेड़ियों को तोड़कर बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फेंक दिया। उन बेड़ियों से, सैकड़ों साल की बेड़ियों से जिसमें इंसान को बांध रखा था, उससे इस देश को आजाद करवा दिया था। और इस देश के अंदर सदियों के भेदभाव को मिटाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के गरीब समाज को, इस देश की अनुसूचित जातियों को, इस देश के गरीब वाल्मीकि के बेटे को, इस देश के गरीब रविदास की बेटी को, इस देश के सैसी धारक और समाज के हमारे साथियों को आरक्षण का अधिकार दिया। वो आरक्षण का अधिकार जो 70 साल से चला रहा, इसलिए कि विषमता अभी दूर नहीं हुई, इसलिए कि अभी भी अगर आप गरीब के मोहल्ले में जाओ तो आपको गरीबी वहां साफ नजर आती है। भेदभाव तो मिट गया, परंतु गरीबी, आर्थिक गरीबी और सामाजिक भेदभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और इसलिए 70 वर्ष से 27% आरक्षण गरीब का, अनुसूचित जाति के समाज का आज भी लागू। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, इस देश के मालिकों, इस इलाके के मालिकों, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है आपके अधिकार छीनने का। एक हफ्ता पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बयान देते, आरक्षण के अधिकार पर पुनर्विचार होना चाहिए। मोहन भागवत ये कहते हैं, आरक्षण विरोधियों को बुलाओ, जो गरीब का हक छीनना चाहते हैं उनको बुलाओ, उनसे बैठकर बात करो। इसका मतलब आरएसएस और बीजेपी इस देश के संविधान को मानती नहीं, क्योंकि इस देश के संविधान में तो वो लिखा है कि भाषा बोलने और समझने वाले एक भी साथी को सचिव क्यों नहीं लगाया भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो भारत सरकार को चलाने में, हरियाणा सरकार को चलाने में उनका हिस्सा नहीं चाहते। और आए दिन इस देश का गरीब भेदभाव का कोपभाजन बनता है। थोड़े शब्दों में अगर मैं कहूं, रोहित वेमुला नाम का एक दलित साथी जिसको मेरिट के ऊपर दाखिला मिला, उसको बंधारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी दोनों मिलकर उसको सुसाइड के लिए, उसे मरने के लिए मजबूर कर देते। ऊना के अंदर दलितों को लोहे की चेन से उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती, 21वीं सदी है या 14वीं सदी है नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दलित साथी उनसे मिलने जाते हैं तो उनको उनमें से बदबू आती है, उन्हें नहलाकर उन्हें इत्र से नहलवाते हैं, उनको साबुन से नहलवाते हैं। क्यों? आज क्या गरीब आदमी, ये सारे भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को उनमें से बदबू आती है?
येदुरप्पा जी स्वांग रचते हैं जो कर्नाटक के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, दलित के घर में खाना खाऊंगा, वहां जाते हैं तो उस थाली को ठोकर मारते हैं और 5 सितारा होटल से अपना खाना मंगवाते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम? और खट्टर सरकार में हरियाणा में तो हमारे गरीब साथियों की हालत और ज्यादा बुरी है। याद करिए 20 अक्टूबर 2015 का वो दिन जब फरीदाबाद में दलित बच्चों को जिंदा जलाकर भारतीय जनता पार्टी और खट्टर साहब की सरकार में जिंदा मार दिया गया था। एक मंत्री जाते हैं भारत सरकार के और वो हमारे उन बच्चों को जिनको जिंदा जलाया गया है उनको कुत्ते की पिल्ले की संज्ञा दे आते हैं। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। क्यों? इसलिए कि क्या वो गरीब का बेटा था? मैं एक और आपसे पूछता हूं, एक आईपीएस दलित बेटी जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, संगीता कालिया, एक मंत्री उनका फतेहाबाद के अंदर अपमान करते हैं, एक एसपी का इसलिए कि वो गरीब की बेटी, भारत सरकार के स्टार उसके कंधे के ऊपर लगे हुए, उसका सरेआम टेलीविजन वाले साथी दिखाते हैं, उसका अपमान होता है। उस मंत्री को तो पद से हटाते नहीं खट्टर साहब, उल्टा उस बिटिया को एसपी के पद से हटा देते हैं और खुदे लाइन लगा देते हैं। चीनी अभी 60 रुपए की हो जाएगी दिवाली आते ही, 12 रुपए किलो पर, 12 रुपए किलो पर 1 किलो चीनी देंगे और गरीब आदमी दाल नहीं खरीदता। गरीब आदमी के बच्चों का पोषण तब हो पाएगा जब उसे दाल मिलेगी। 20 और दाल का रेट है 80 से 130 रुपए किलो तक रहता है, 20 रुपए किलो पर 1 किलो दाल दिया करेंगे। और 14 लाख परिवार हैं, नू से लेकर डब्बा वाली तक, कालका से लेकर इस तरफ और पलवल तक, हर परिवार को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी, हमारा वचन है, वादा। ऑपरेशन बढ़े, एससी का एक आदमी उसमें लेना कंपलसरी होगा, आप छोड़ नहीं सकते। इंदिरा गांधी पेयजल योजना जो एक एक टूंटी और टंकी दी थी, कई जिले अभी भी कहते हैं कि हमारे यहां और बाकी, हर एससी